दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कई बार मेरे पास कमेंट आ चुके हैं कि किलरेंस के बारे में सर बताइए, किलरेंस के बारे में बताइए। तो यार आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किलरेंस क्या होता है, किस तरीके से डालते हैं और कितना डालते हैं, कम या ज़्यादा, क्यों, कहाँ, कितना, किस लिए, और कम डालेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी, और कितना डालना चाहिए कितने एमएम की सीट पर, और कौन सा किलरेंस पंचिंग टूल में क्लियरेंस कहाँ जाएगा और ब्लैंक वाले टूल में क्लियरेंस कहाँ जाएगा, इस वीडियो में डिटेल में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को एक लाइक कर देंगे, और अगर अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी करते हैं आज के वीडियो को शुरू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैकेनिकल गुरुजी चैनल में, मैं आपका दोस्त अमर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्लियरेंस क्लियरेंस कितना देना चाहिए और क्लियरेंस देते क्यों हैं। सबसे पहले देते क्यों हैं, क्लियरेंस हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो भी मटेरियल रिमूव होगा, जो मटेरियल हमारा कटेगा, उसके लिए कोई भी टूल में प्रॉब्लम ना आए। टूल में प्रॉब्लम आने क्या मतलब हुआ कि किसी चीज़ को अगर आप फोर्स करते हैं, किसी चीज़ को जब फोर्स करते हैं तो फोर्स करने के साथ उसमें जगह होनी चाहिए कि वो चीज़ वहाँ पर जाए, वो चीज़ वहाँ पर जाएगी, वो चीज़ रिमूव होगी, उसके जाने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो उस केस में, मतलब मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ, हालांकि इसके लिए मैं और चाहूँ तो और ज़्यादा फार्मूले दे सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाली बात यही है कि किसी चीज़ को अगर आप फोर्स करते हैं, ठीक है, कभी भी किसी चीज़ को जब फोर्स करेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए तो आपको जगह चाहिए होती है ना। अगर ब्लैंक टूल की बात करें या पंचिंग टूल की बात करें, किसी भी टूल के लिए बात करें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई क्लियरेंस डालते कितना है। तो क्लियरेंस जो आपका क्लियरेंस बनता है वो क्लियरेंस 10% का डाला जाता है, ठीक है, 10% का क्लियरेंस डाला जाता है। 10% का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 2 mm की सीट है तो 0.2 हुआ, ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्लियरेंस कितना, ठीक है, 0.2 हुआ, ठीक है, 10% मतलब ये हुआ। लेकिन इसमें भी लेकिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपकी सीट 5 mm से प्लस ऊपर होती जाती है, जैसे 5, 6, 8, 10, 12 हो जाती है, तो उस केस में आप क्लियरेंस को प्लस कर देंगे, यानी कि 12% तक कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 10% ही रखेंगे, नहीं, आपकी 5 mm तक की सीट है तो आप 10% लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी सीट अगर मोटी हो जाती है, यानी कि 8 mm, 10 mm, 12 mm हो जाती है, उस केस में आप क्या करेंगे, 12% रखेंगे। क्यों रखेंगे, ताकि इतनी मोटी सीट हो जब आप काटते हैं तो आपके ऊपर डाई के ऊपर कोई ऐसा लोड ना पड़े, कोई ऐसा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि सीट काफ़ी मोटी हो जाती है तो लोड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस केस में आपको आपका जो मटेरियल होगा वो काफ़ी अच्छे शेप में आएगा। अच्छे शेप में आने का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जब कोई कंपोनेंट कटेगा ना, जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो क्लियरेंस है ना, बिल्कुल क्लियरेंस बिल्कुल बराबर क्लियरेंस है, बिल्कुल बराबर क्लियरेंस है, जैसे देखें चारों तरफ की सेब एक जैसी है और बर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्लियरेंस बिल्कुल प्रॉपर क्लियरेंस है, इसी वजह से इसमें कोई भी बर नहीं है। कहीं भी तरीके से आप देखेंगे कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आपको, कहीं भी साइड है वो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्लियरेंस की वजह से। क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए एक क्वेश्चन से कर लेते हैं कि अगर क्लियरेंस कम होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एक क्वेश्चन से है। चलिए अगर क्लियरेंस कम होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आएगी आपका कंपोनेंट में बर आएगी। कंपोनेंट बर में आने का मतलब क्या हुआ, अभी जो आप देखेंगे यहाँ पे जो रिमूव हुआ है बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेव है, इसकी सेव अच्छे से बनी हुई है, लेकिन उस केस में क्या होगा, ये चीज़ बिल्कुल घिसट के जाएगा। जब घिसट के जाएगा तो जो बर होगी, ये बर जो इसके अंदर बर आएगी, बर वो ऊपर तरफ खड़ा हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर बर आएगी, क्लियरेंस कम होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट पड़ता है कि आपके टूल क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सारा सारा लोड आपके टूल पे, यानी कि आपके डाई पे ही पड़ेगा और डाई फट सकती है। 101% चांसेस होते हैं कि आपकी डाई फट भी जाए और कंपोनेंट बिल्कुल सही नहीं आएगा, इन केस अगर आपका क्लियरेंस कम हुआ तो। अगर क्लियरेंस ज़्यादा हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो आपकी डाई पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी डाई बिल्कुल भी फटने का चांसेस नहीं है, लेकिन कंपोनेंट आपका सही नहीं आएगा। कंपोनेंट में क्या होगा, कंपोनेंट बर आएगी, कंपोनेंट में बर आएगी। बर आने का मतलब क्या हुआ, जब आपका ये पीस कट रहा है, ठीक है, इतनी साइड में जगह मिल रही है कि उसको तोड़ना है, जहाँ से तोड़ना है तोड़ने के एरिया काफ़ी दूर हो चुका, पंच आपका कम है, डाई के साइज ज़्यादा है, ठीक है, क्लियरेंस तो ज़्यादा हो गया, तो उसे जब उसको तोड़ रहा है तो साइड से भी उसको उखाड़ के ले जा रहा है, बिल्कुल समझने की कोशिश की, उखाड़ के ले जा रहा है, उस केस में आपके पास बर आएगी अगर क्लियरेंस ज़्यादा हुआ तो, ठीक
ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्लियरेंस कितना डालना चाहिए, कम डालने में क्या दिक्कत आई, ज़्यादा डालने में क्या दिक्कत आई, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई जो हम क्लियरेंस डालेंगे, अगर ब्लैंक टूल होगा तो डाई में डालेंगे या पंच में डालेंगे, पंचिंग टूल होगा पंच में डालेंगे या डाई में डालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। बहुत बार आपके माइंड में डाउट आते हैं कि यार हम करें तो करें क्या, पंच में क्लियरेंस दें या डाई में दें या किस साइज को मेंटेन करके चलें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही ट्रिकल हो जाता है क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ब्लैंक टूल बना रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर समझ चलिए, ब्लैंक टूल का मतलब ये होगा जैसे ये था, मैंने जैसे ये बताया आपको, ये अगर आपके पास ब्लैंक डाई है और आप ये ब्लैंक काट रहे हैं, इस केस में क्या करना है आपको, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट है, अगर वो 100 का कंपोनेंट है, मतलब 100 mm का कोई कंपोनेंट आप उसमें निकालना चाह रहे हैं, तो जो डाई का साइज रखेंगे ब्लैंक टूल में, डाई का साइज 100 ही रखेंगे, ठीक है, 100 ही रखेंगे ब्लैंक अगर डाई है आपकी, तो उसमें पंच में क्लियरेंस जाएगा, ठीक है, पंच आपका माइनस बनेगा, डाई का सेव वही बनेगा जो आपको चाहिए होगा, जो कंपोनेंट की रिक्वायर्ड होगी वो साइज आपका डाई में जाएगा और क्लियरेंस पंच पे आएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके पास 4 mm की सीट है या 5 mm की सीट है आपके पास, और आपने 100 mm का कोई कंपोनेंट है, ठीक है, तो जो डाई का साइज है 100 mm बनेगा, ठीक है, जो पंच बनेगा आपका वो 99.5 बनेगा अगर 5 mm की सीट है तो, ठीक है, 10% यानी कि 0.5 माइनस हो जाएगा, तो क्लियरेंस कहाँ आया, पंच पे, और डाई का साइज वो बना जो आपका कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। ब्लैंक टूल में पंचिंग में क्लियरेंस जाता है, ठीक है, पंच माइनस बनता है, डाई का साइज वही बनता है जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें अगर पंचिंग टूल है, पंचिंग टूल में भी क्या डाई में क्लियरेंस होगा या पंच में होगा, या डाई मास्टर मानी जाएगी पंच मास्टर माना जाएगा। अब ब्लैंक टूल में मास्टर हमेशा डाई मानी जाती है। अब चलिए पंचिंग टूल की बात करें, पंचिंग टूल में हमेशा क्या होता है, आप जब भी देखेंगे पंचिंग टूल में हमेशा जो पंच होता है, पंच वही साइज बनाएगा जो आप पंच का साइज रखेंगे, ठीक है, इसमें क्लियरेंस कहाँ जाता है, डाई में, ठीक है, तो इसमें क्लियरेंस कहाँ गया, डाई में, यानी कि इस केस में क्या हुआ, पंच आपका मास्टर माना गया। पंच क्यों मास्टर माना गया, क्योंकि पंच आपका साइज बना रहा है, ध्यान रखना पंचिंग टूल में हमेशा पंच साइज बनाता है, ब्लैंक टूल में हमेशा डाई साइज बनाती है, बिल्कुल साफ मैटर है ये, बिल्कुल साफ समझ लीजिए आप, ब्लैंक टूल में हमेशा डाई साइज बनाती है, पंचिंग टूल में हमेशा पंच साइज बनाता है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। पंचिंग टूल में कैसे साइज बनाता है आप चलिए वो समझते हैं। पंचिंग टूल का मतलब है अगर मान लीजिए आपके पास 5 mm की सीट है, ठीक है, 5 mm सीट है और आप 10 की पंचिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, 10 की पंचिंग करना चाह रहे हैं और 5 mm सीट है, तो जो आप जो डाई में जो होल बनेगा वो 10.5 का बनेगा, 10.5 का बनेगा, और आप 10 का पंच बनाएंगे जो आपका साइज बनेगा वो 10 का बनेगा, ठीक है, उसमें क्लियरेंस कहाँ गया, डाई में गया, ठीक है, क्लियरेंस तो डाई में गया, लेकिन जो साइज बना रहा है मास्टर कौन है इस समय, पंच मास्टर है, क्योंकि पंच आपका साइज बना रहा है यहाँ पर। और ब्लैंक वाले टूल में क्या होता है, डाई आपका साइज बना रही थी, पंच आप माइनस रख रहे थे, डाई साइज बना रही थी, ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्लियरेंस आपका डाई में गया और पंच आपका वही साइज बनाएगा जो पंच का आप साइज रखेंगे, वही साइज पंच बनाएगा। इसमें एक बहुत पॉइंट वाली बात और भी है, अगर मैं आपसे बोला कि 10 का पंच बनाएंगे तो 10 का साइज होगा, तो ये बात भी आप बिल्कुल क्लियर समझ के चलिए, कभी भी पंचिंग वाले केस में साइज हमेशा वो नहीं आता, हमेशा साइज माइनस में आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अंदर जाती है जब वापस आती है तो वो अंदर तरफ से क्लोज होती है, अंदर तरफ हमेशा क्लोज होती है। अगर आपको 10 का साइज, 10 की कोई पिन बिल्कुल फ्री चाहिए, उसके लिए जो आप साइज रखेंगे 10.05 रखेंगे, पंचिंग का साइज 10.05 रखेंगे, तब जाकर आप उसके अंदर 10 के पिन बिल्कुल फ्री कर पाएंगे। ऐसा नहीं आपने 10 बनाया तो 10 ही आएगा, नहीं, 02, 03, 05 तक ये माइनस आता है, ये सीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सारा मैटर मैंने जो भी बताया सिर्फ सीट मेटल कंपोनेंट के ऊपर के लिए बताया, और भी जो सीट होंगे उनके ऊपर के लिए मैंने नहीं बताया कि क्लियरेंस इतना रहेगा कितना रहेगा, सीट मेटल कंपोनेंट के लिए बताया मैंने, बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। ब्लैंक टूल में हमेशा डाई मास्टर होती है और डाई में क्लियरेंस पड़ता है, पंचिंग टूल में हमेशा पंच को मास्टर माना जाता है और जो क्लियरेंस पड़ता है डाई में पड़ता है, लेकिन हमेशा पंच साइज बनाता है, उसमें ब्लैंक टूल में डाई साइज बनाता है, पंचिंग टूल में हमेशा पंच साइज बनाता है, जो आप साइज पंच का रखेंगे वही साइज आपको कंपोनेंट में देखने को मिलेगा। अगर आपका कंपोनेंट का साइज 10 है तो उसमें से 02, 03, 05 प्लस जरूर रखेंगे, ताकि आपका साइज वही है, क्योंकि हमेशा साइज माइनस में आता है पंचिंग होने के बाद। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपका कि आपको कितना रखना चाहिए क्लियरेंस, कितना नहीं रखना चाहिए, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। 5 mm तक की सीट है, वहाँ तक 10% रखिए, 5 mm से जैसे प्लस हो जाती है आपकी सीट, उसमें हमेशा क्लियरेंस को प्लस कर दीजिए, ताकि आपकी डाई की लाइफ अच्छी बनी रहे, कंपोनेंट भी अच्छे से निकले और कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चाहे कंपोनेंट किसी भी तरीके को, ऐसा नहीं है कोई मेरे ऊपर कमेंट कर बोले नहीं अगर राउंड सर्कल है तो क्लियरेंस हमेशा एक जैसा ही रहता है। क्लियरेंस के लिए नहीं होता कि इस कंपोनेंट के लिए कुछ और है, उस कंपोनेंट कुछ और रहेगा, सिर्फ ये सीट के ऊपर भले डिपेंड करता है। मैंने सारा कुछ सीट मेटल कंपोनेंट के बारे में आपको बताया था। तो आई होप आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो को कलेक्ट करके आप लोगों को देता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है कमेंट भी करिए, ताकि मोटिवेट भी हो जाए करूँ यार कि हाँ सामने वालों को वीडियो अच्छी लग रही है, समझने में भी आ रहा है। कोई डाउट्स होता है उसके लिए सीधा कमेंट करिए, ताकि मैं उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकूँ और आपको उसको वीडियो बना के दे सकूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।